हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लो ब्रेन लोब्स एंड इसके फंक्शन। तो सबसे पहले बात की जाती है फ्रंटल लोब की। तो फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? फ्रंटल लोब का काम होता है कंसंट्रेशन का, एब्स्ट्रैक्ट थॉट का, इंफॉर्मेशन स्टोरेज का, मेमोरी का, मोटर फंक्शन होता है, अफेक्ट पर्सनैलिटी एंड इनिबिशन। ये सारे फ्रंटल लोब के कार्य होते हैं। फ्रंटल लोब जो होता है वो लार्जेस्ट लोब होता है ब्रेन का। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ब्रोकास एरिया कहाँ होता है? तो जो ब्रोकास एरिया होता है वो कहाँ होता है? फ्रंटल लोब में होता है, जो कि स्पीच के लिए होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाती है हमारी पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब जो होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन दिस लोब। इसमें क्या होता है? सेंसरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, हेल्प इन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ द बॉडी इन परसेप्शन ऑफ टेस्ट स्पेस ओरिएंटेशन एंड स्पाइटल रिलेशनशिप। तो पैराइटल लोब का कार्य क्या होता है? परसेप्शन करता है टेस्ट का, स्पेस का और ओरिएंटेशन करता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य होते हैं पैराइटल लोब की। नेक्स्ट बात की जाती है टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब का कार्य क्या होता है? ऑडिटरी रिसेप्टिव एरिया होता है यहाँ पर। इसके अलावा बात की जाए तो वर्नेकी एरिया होता है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन दिस लोब। ओके, वर्नेकी एरिया पे क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि वर्नेकी एरिया कौन से लोब में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा टेम्पोरल लोब में होता है वर्नेकी एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट लोब की, जो कि है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब का कार्य होता है विजुअल परसेप्शन का, यानी कि ये देखने का कार्य करता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू।